नाम है डॉक्टर पनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एम के होम्यो केयर पे। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल की प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को और कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके आप अप्रिशिएट करते हैं या अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, सबके ही बाल टूटते हैं। अगर आपके दिन में 10 बाल या 15-20 बाल भी टूट रहे हैं, लेकिन अगर वो वापस आ जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल ऐसे हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बाल गिरने लग गए हैं पहले के कंपेयर में, और आपके जो स्कैल्प है उसमें कोई स्मूथनेस क्रिएट हो रही हो, या फिर पैच बन रहा हो, पैच दिख रहा हो कि आपके बाल इस जगह से इस पैच से बहुत ज़्यादा निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप दवाई का सेवन करें। लेकिन दवाई की सहायता लेने से भी पहले मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी डाइट चेंज कीजिए, डाइट इम्प्रूव कीजिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए, क्योंकि एक हेल्दी डाइट जो है आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी और आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगी, उसको रोकेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस होता है। तो इनके कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहला मैं बोलूँगी स्ट्रेस। तो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा गया, जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि आपके खाने पीने में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना, विटामिन्स, आयरन, ये सब आपके खाने में अगर कम हो जाता है तो आपकी हेयर फॉल की समस्या जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद है सीवियर इलनेस। अगर आप किसी बीमारी से जूझे हो और उसके बाद आपको हेयर फॉल की समस्या हो रही है, जैसे कि अगर आपको मलेरिया हुआ था या टाइफाइड हुआ था, डेंगू हुआ था, या फिर अगर कोरोना होने के बाद भी आपको हेयर फॉल की समस्या हो रही है, तो ये किसका कॉज है, प्रेगनेंसी के बाद भी देखा जाता है कि हेयर फॉल किसी किसी केसेस में होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी में से ब्लड काफ़ी कम हो जाता है, बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। उसके बाद है मेडिकेशंस। अगर आप कोई क्रॉनिक ट्रीटमेंट, मतलब कोई लंबे समय तक आप मेडिसिंस ले रहे हो, किसी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो, या फिर केमोथेरेपी चल रहा है आपका, तो उस केस में भी हेयर फॉल देखा जाता है। उसके बाद है अगर आपके स्कैल्प में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, आपके हेयर में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन, या फिर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से भी हेयर फॉल देखा जाता है। तो ये सारे कुछ कारण थे। तो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये बताऊंगी कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए। एक हाई प्रोटीन रिच डाइट जो है वो फॉलो कीजिए, जो भी प्रोटीन में ज़्यादा रिच फूड हैं, जैसे कि आप एग्स खा सकते हैं, आलमंड्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, दाल, तो ये सब आप अपने फूड में ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, फ्रेश फ्रूट ज़्यादा खाइए, और जंक फूड जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। सेकेंड कि कोई भी ज़्यादा हार्श या केमिकल बेस्ड ऑयल या शैम्पू आप यूज़ करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, एकदम ही माइल्ड शैम्पू या ऑयल आप यूज़ कीजिए। उसके बाद थर्ड मैं बताऊँगी कि स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उसको रिड्यूस कीजिए, अपना स्लीप पैटर्न जो है वो फॉलो कीजिए, और अगर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे भी हेयर फॉल जो है ट्रिगर होता है। तो अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हेयर फॉल की केसेस में हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन जो है वो है एसिड फ्लो 30। तो ये मेडिसिन हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट बहुत सीवियर इलनेस से गुजरा हो, यानी कि अगर उसको मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ये सब हुआ हो, और उसके बाद पेशेंट बहुत वीक हो गया हो, बहुत बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ हो उसको, और उसके बाद उसको एयर फॉल की समस्या रही हो, तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना के बाद भी, जब पेशेंट को कोरोना होने के बाद भी जब पेशेंट को हेयर फॉल हो रहा हो, तो भी आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो एसिड फ्लो 30 आप दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, 2-2 ड्रॉप, और लगातार इसको 3 से 4 महीने तक यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रमयू 30। तो नेट्रमयू 30 आप यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट को एनीमिया हो, या फिर पेशेंट की डिलीवरी हुई हो, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई हो और उसके बाद से उनको हेयर फॉल की समस्या होने लग गई हो, तो आप नेट्रमयू 30 यूज़ कर सकते हैं। नेट्रमयू 30 भी आप दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, 2-2 ड्रॉप, और 2 से 3 महीने तक आप यूज़ कर लीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे।
नेक्स्ट मेडिसिन है विस्बायरन 30। तो अगर आपके बालों में एक जनरलाइज थिनिंग मिल रही है आपको, आपके बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं, रूखे होते जा रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपके बालों को अच्छा ग्रो करती है, आपके बालों को काला बनाए रखती है, एक वॉल्यूम ऐड करती है आपके बालों में, शाइन देती है। तो विस्बायडिन 30 आप दिन में 3 बार यूज़ करें, दो दो बूंद, और आप लगातार इसको 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है सेलेनियम 200। तो सेलेनियम 200 आप तब यूज़ कर सकते हैं जब हेयर फॉल की आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा हो, तो आप ये यूज़ कीजिए। सेलेनियम 200 भी आप दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, दो दो बूंद, और लगातार इसे 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा 200। तो अगर आपको डैंड्रफ है और अगर डैंड्रफ की वजह से आपको हेयर फॉल की समस्या हो रही है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। थूजा 200 आप रात को 2 बूंद लीजिए सिर्फ, और ये आपको दिन हफ्ते में 2 बार लेनी है। तो आपको रात को 2 बूंद लेनी है, हफ्ते में 2 बार, और ऐसा ही आप 3 से 4 महीने तक ले लीजिए, तो आपको दिखेगा कि आपकी जो ये डैंड्रफ से हेयरफॉल की समस्या है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फॉर सिक्सेस। तो अगर आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, आपका वर्कलोड ऐसा है कि आपको बहुत स्ट्रेस आ जाता है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उसके वजह से हेयर फॉल की समस्या अगर आपको हो रही है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, दो दो ड्रॉप, और कुछ महीने तक आप इसका यूज़ कर लीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में, यानी कि अगर आपके बाल समय से पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। लाइकोपोडियम जो है एक डीप सीटेड मेडिसिन है, यानी कि आप इसका जो यूज़ है वो लगातार नहीं कर सकते। तो आप इसको ऐसे यूज़ करें कि आप इसका दिन में 1 बार दो ड्रॉप ले लीजिए, ऐसे ही आप 10 डेज तक इसको दिन में 2 ड्रॉप लीजिए, उसके बाद 10 डेज के बाद मेडिसिन स्टॉप कर दीजिए, और लगभग 1 मंथ तक आप इसके रिजल्ट नोटिस कीजिए। अगर आपको इसके रिजल्ट दिख रहे हैं, तो आप इसको 1 मंथ के बाद फिर से मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हेयर फॉल के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। इसके साथ साथ बहुत और भी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपको हेयर फॉल ट्रीटमेंट लेनी है, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर नीचे दिए गए डिटेल्स के थ्रू आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।